भगवान चारों भाई के अवतार रहे, लेकिन भोजपुरी में उनके व्यास जन्म को भी कह दी, तुकबंदी ना बैठेला अवतार से तो जन्म कह दी। अच्छा बाबू जी, भगवान का जन्म सुन के भोलेनाथ खुश हो गए, दर्शन करे गती काकभूषण जी, भोलेनाथ जी अरे सारा देवता देवी की लिए अवतार श्री रामचंद्र अयोध्या में चारों भाई महान, फूल बरसाने लगे देवता लोग चढ़ के आसमान में अपना अपना विमान, देवता लोग फूल बरसा होता तो देव लोग फूलावा पूरी अरे देव लोग फूल बरसा तो बड़ा निक लागे राम, अरे देव लोग फूल बरसा तो बड़ा निक लागे राम, बका भाई कह कह करे लायो अयोध्या करे लायो जो धारे कुछ सबका माना वहां पर हो, आकाश मार से देवता लो बरसा बरसा उतरे। लेकिन हमारा कहे का मतलब कि ब्रह्मा के बेटा मरीचि मरिचिया कश्यप कश्यप के सुर सुर के मनु मनु के छुआकु छुआकु का नाम और नाम के पृथु पृथु के विश्वर और विश्वर के जोनास जोनास के हास हास के ढटा ढटा के पसनी पसनी के जरनी जरनी के सत पर सत के हर चंद के रोहित रोहित के बुक बुक के सकर सकर के उस्मान उस्मान के जो उस्मान उस्मान के भागीरथी भागीरथी के स्मृति से स्मृति का नभक नभक के दिलीप दिलीप का रघु रघु के बेटा अज अज के बेटा दशरथ जगह भगवान राम अवतार ले लगले, तो सूरज खानदान के राम अवतार ले लगले तो काहे रामचंद्र कहल गई। ए बाबू जी एक पर विचार करी, हाँ उनका लिखे चाहिए सूर्य वंश, हाँ राम सूर्य सूर्य वंश में अवतार लेते हुए रामचंद्र क्यों लिखाया जी, हमने ढूंढते ढूंढते ये बात को कहीं जरूर अब पाया जी, रामचंद्र कहे लिखाई एक महीना के एक एक दिन हो गए, सारा देवता लोग दर्शन करे एक महीना दिन हो गए, एक महीना चंद्रमा जी इंतजार कर ले कौन ची कि कब हुई है हमारा हरि के दर्शन, चंदा मामा सोचतानी कब हुई है हमारा हरि जी सोतनी कि कब हुई है हमारा राम से दर्शन मान, कि कब हुई है हमारा हरि के दर्शन बाबूजी एकरा पहले दर्शन जो बात बताओ तो लेकिन बात याद कर रामचंद्र का लिखा उनका सूर्य वंश के हों, जब चंद्रमा जी सबसे लास्ट में अले तो भगवान से कहले कि सरकार हमारा तो देर हो गए, तो कहले कि हाँ लेकिन तू बहुत इंतजार कर बड़ा का चाहत रहा बोलो, कहे कि मालिक है अपना नाम में हमरो नाम जोड़ देती, तो भगवान श्री राम कहे केरी चंद्रमा तू इतना न तपस्या कर एक महीने इंतजार कर लो तो जा आज से लोग कही रामचंद्र इस चंद्रमा में जोड़ा गए, आहा ये मत बुझे कि रुआ पछुआल बनी रुआ पछुआल में तो रुआ ना मिली, आहा पछुआल को बहुत मिलेला लेकिन भोले बाबा दर्शन करे चाहते कौन भोले बाबा, आय है भोले बाबा के का लीला कहब जोगी के रूप धरले कहे के बात बा, एगो भाव आ गई कि आई हो दादा कैसन भोला के चरितरवा, आई हो दादा कैसन भोला के चरितरवा, सब त मूर्ति न मंदिर वे के भीतरवा, सब त मूर्ति न मंदिर वे के भीतरवा, आई हो दादा कैसन भोला के चरितरवा, आई हो दादा कैसन
दर्शन करे चाहतनी एकरा के भोला कहे ला दिन भर खाले भोला भांगावा के गोला केहू कहे शिव शंकर केहू कहे भोला दिन भर खाले बाबा भांगावा के गोला केहू कहे शिव शंकर केहू कहे भोला बभूती लगाओ सुनका खातिर सेंटर इतरबा हमार भोलेनाथ जन भभूति लगाइले हमरा यह बुझाता कि भभूति लगाओ सुनका खातिर सेंटर इतरबा आई होता था कैसन बाबा के चरितरबा आई होता था कैसन भोला के चरितरबा भोला बाबा संग ही भवानी जटवे में बहली रे गंगा जी के पानी रहस भोला बाबा संग ही भवानी जटवे में बहली रे गंगा जी के पानी ओ भोले बाबा चरण में वही रे चरणिया में सब तो पवित्र बा भोले के चरणिया से सब तो पवित्र बा आई हो दादा कैसन भोला के चरित्र बा आई हो दादा कैसन भोला के चरित्र बा बाबूजी वह भोलेनाथ भगवान राम के दर्शन कर चलते नहीं कौन रूप में तार किशोर बाबू रूप में एगो खजड़ी में गाव ले लकी अरे जोगिया के भेसबा हो धैले भोला बाबा चली भैले भोला बाबा चली हो भैले राजा दशहरा ते दरबार नु हो बसा भैया हो ए बसा भाई हम लईकाई में हम अपन बाबूजी के देखल में निकाल तो के खसड़ी लेके आई ले आ जादे गए जोगिया के रूपवा हो धैले भोला बाबा चली हो भैले भोला बाबा चली हो भैले राजा दशहरा थे अरे बाबूजी यहाँ ले प्रमाण मिलता कि भगवान राम की वही पर हनुमान जी से दर्शन हुए काहे कि जोगी बाबा हनुमान जी के बंदर बना के आ ले ले करे संगे वनले मदारी हो बाबा खिलाड़ी हो बाबा खिलाड़ी हो बाबा अब सुननी आगवा के बयान हो राम राम हो अब सुननी आगवा के बयान हो राम बाबूजी जोगी के रूप धारण करके भोले बाबा प्रमाण मिलता कि हनुमान जी के संग लिख ले प्रमाण मिलवा हमारा कि हनुमान जी के संग वही पर भगवान हनुमान से दर्शन हो गए मिलान हो गए लेकिन बात यहाँ बा कि जोगी रूप धारण करके बाबा जाके डिम डिम डमरू बजाओ तनी गा ले लो कि हमार जोगी रे अरे हमार जोगी अरे हमार जोगिया तारकेश्वर बाबा तो डिम डिम डमरू बजावे अरे वह हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजा
नागेश्वर बाबा डिम 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 डिमिक डिमिक डिम डमरू बाबा के बोले ये बबुआ डमरू बाबा के बोले जब डमरू के आवाज डमरू के आवाज श्री रामचंद्र सुननी कि शंकर जी आगे दुनिया अरे आ गईले दुनिया के जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ले हमार जोगिया डमरू बजावे ले हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ले के खेला देखल बनी आय हाय हाय आ भगवान राम उन्हें रोए लग गए हरि के अब हरि का ना जानत नहीं जान गनी कि आज हमनी के मालिक है यह तो बात बुझे कबा विष्णु भगवान बुझले कि शंकर जी बड़ शंकर जी बोले कि विष्णु जी बड़ विष्णु जी बोले कि राम जी बड़ राम जी बोले कि विष्णु जी बड़ अब के बड़ रहे जब ओहिल में ना फरिए तो हमनी के का फरिए ई सब जाना ब्रह्मा विष्णु कृष्ण महेश गणेश कार्तिक ये सब जे बा हमरा कति परमेश्वर हो आ ओकरी चेला तपेश्वर वो सब के चेला तपेश्वर हो आय हाय हाय बाबा डमरू बजावतरी रोवतार सुसुक सुसुक आ सुसुकी राम घर बा में रोवतार अरे सुसुकी राम सुमित्रा फिर बकरी के बाबू के का हो गई बाबू कहे रोत रहे बाबू का हो गई भगवान राम रोत रही के लड़का ले रोवेला मास्टर कहा हाँ हाँ बच्चा ले रोवेला भगवान राम लीला के नितार को बाबा भगवान शंकर डमरू बजाओ तनी भगवान राम अंगने में रोत नहीं कुशिल्ला जी सुमित्रा जी के कई जी माता लो फेर में पड़ल बा कि हमारा बबुआ के हू अरे हमारा बबुआ के काय अब भइले कि इतना छरिया गई कहे कि हमारा बबुआ के काय अब भइले कि इतना छरिया गईले वही में केहू कल के कुशीला माता चली ना हो जोगी अब बाबा से दिखा दी चली ना हो जोगी अब बाबा से दिखा दी कि कौनो टनियावले नहीं क्या ये हो बात बता दी बाबा बता दी वही जोगी बाबा से नू हो वही जोगी बाबा से अब बबुआ के दिखाइबू तब बाबू चुप हो जाई है आय हाय हाय ले ली माता कुशिल्ला भगवान राम प्रणाम करे रामचंद्र जी होता नहीं आज जे भगवान चरण के छू के आ कल के जोगी बाबा है देखवा हमारा बबुआ का भइल बा जोगी बाबा कहले कि कहां बात देखी तो अरे काहे रोवता हमारी अरे बबुआ कौने तो कली फावा अरे भोला बाबा गोदी में खेलावे ले दरसन पावे ले अरे भोला बाबा गोदी में खेलावे ले दरसन पावे ले भोलेनाथ जी आजे कहने की ली तमाता कहाँ बगुआ रखो कुछ भेजवा आजे भगवान राम जे भगवान राम की फिर कुशिल्ला जी की पूरा में गई फिर रोवे लग गए अब जोगी बाबा अपन चलते नहीं हनुमान जी से दर्शन भगवान कहनी
जोगी बाबा जब चल देने तब हल्ला हो गई कि बबुआ का टोनिया के जोगिया भागल जाता। अरे केना कहले जोगिया खोजो तो बटनो, केना कहले जोगिया खोजो तो बटनो, किया हो राम किया हो राम किया हो राम हरि के हो इच्छा के अब जान लये के जाके फिर थलिए लो क्या जो कार्टूनिया था हमरा पुगे चलो महाराज का दिस रानी का दिस बाबू तू का लेके कर लो। फिर भगवान शंकर कहि कि हां जय हो प्रभु। आ फिर जब वहींनी आ दर्शन कहिनी कहि कि सरकार कितना बार परेशान कर ली, तब फिर भगवान राम चुप हो गईनी। ऐसे देवता लो दर्शन कहि भगवान शंकर दर्शन कहिनी आए है है देखी कितना खुशहाली भई महाराज दशरथ जी के अंगना में। भगवान राम अब धीरे धीरे अब धीरे धीरे जैसे अब हमने पर बीतल बा जैसे भगवान अब धीरे धीरे तनी बढ़े लगनी माऊ बन लगनी। देखी काग भूसुंडी जैनी दर्शन कहनी जुट खैनी आए है तक कह जा कि धीरे धीरे बबुआ से ज्ञान हो के लगल। अरे धीरे धीरे बबुआ से ज्ञान हो के लगल। धीरे धीरे बबुआ सियान होके लगल आ धीरे धीरे प्रभु जी लीला हो जवान हो। एक दिन का बात है बाबू जी कौशल्या जी पूजा करते नहीं। अब पूजा करते में क्या देखनी कि भगवान राम के झूला पर झूला ले बनी आ देवघर में पूजा करते नहीं। तो जब पूजा करते तो देखते कि देवघर में लड्डू खाता रहे दौड़ का होते तो देखते कि झूला पर झूलत रहे फिर जाते तो लड्डू खाते रहे इन्हें होते तो झूला झूलत रहे। गोस्वामी लिखनी इहां वहां तुई बालक जब देखा अमति भरम मोर किन्ह विशेषा। इहू जा राम लोकत रहे देव देवकू घर में राम लोकत रहे फिर झूला पर राम लोकत रहे इहां वहां बालक जुई देखा मति भरम मोर किन्ह विशेषा। भगवान राम देखनी जे माता खड़ा बनी त देख राम जननी अकुलानी तब प्रभु मधुर मुस्कानी। देख राम जननी अकुलानी तब प्रभु मधुर मुस्कानी तो हरि के चरनिया में अब सभे ध्यान लगाई भाई। ओह दिन जान गईली कि भगवान होंगे। अरे जननी कोसिला माई जी भगवान जब मुंह बोनी कहने की माता ई रूप के हुकम मत कहल जाई सब को सिलेज कर के भगवान कोस ओह दिन जान गली भगवान होवे के जानल कोसिला माई बबुआ जी का राम उपवा जब दिहले देखाई बबुआ जी हाले देखाई बबुआ जी। बाबूजी अब एकरा बाद हमरा गिरी बाबा से कथा सुनाब। वही बरा भगवान के बारे में कुशिला जी जान गेली कि जे भगवान ही हमर लइका ना हो ई तो प्रभु के अवतार हो लेकिन बात केहू से कहे के नहीं खे। बोली सियापति रामचंद्र की। आई हम विजेंद्र गिरी सोनोटेक कंपनी के माध्यम से रुआ सबके भगवान के चर्चा भगवान के लीला ये संसार में सबसे उत्तम है। रामचरितमानस चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण बा कितने उप पुराण बा 108 उपनिषद बा वगैरह बहुत हिंदू समाज में पुराण रखल बा लेकिन सगरी किनचोर गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में मानस का है भवसागर है मानस रूपी सरोवर है जाने में हमने डुबकी लगाई सोनोटेक कंपनी के माध्यम से अकेले ना ही इमे हमारे बड़ भाई तपेश्वर चौहान जी बने आ हमने कलाकार सबानी पूरा भोजपुरी समाज के पूरा ईपी बिहार झारखंड के जहाँ तक भोजपुरी भाषा बा सब भाई बंधु माता बहन बेटी के हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। ताई तनी मानस में चलल जा
चौहान भाई तन ध्यान दी हो, ओ समय के बात बा, तुलसी बाबा लिखले बा। एक बार दशरथ जी के मन में गलानी भइल, चिंता भइल कि हमरा पुत्र रहते तो आज लोग हमरा के निसंतानी ना कहे। तो पहले का गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला चलन लागी करी विनय विशाला। भयउ गलानी मोरे सुतना ही। राजा दशरथ के मन में चिंता भइल कि आज संतान रहते अयोध्या के लोग नर नारी हमरा के निसंतानी ना कोई। कहे कि राजा दशरथ जी के मालूम हो गए रहे कि इंद्र भगवान के दरबार में हम जाई ले तो इंद्र भगवान वो आसन के धोवावे ले कि निर्वंशी बने। एक और ही कारण हो गई, एक बार भूपति मनमाही जेकरा संतान ना होला करा हजार बार चिंता होला, राजा दशरथ सम्राट अयोध्यापति नरेश के एक बार सिर्फ काहे चिंता भइल कि हमरा संतान के आवश्यकता बा। या अयोध्या के नियम रहे तारकेश्वर जी, केहू के भी लड़का हो के बाल बच्चा आए हाय राजा वही के कहल जला, हर प्रजा के केहू के भी संतान हो के तो सबसे पहले महाराज दशरथ जी के गोद के सामने आवे जौना से राजा के जीवन में ना बुझाइल कि हमरा संतान के आवश्यकता बा। लेकिन एक दिन एगो प्रजा के बेटा भई आ राजा के दूत गैले मांगे खाती अयोध्या के नियम रहे केहू के भी संतान होके तो राजा के लगे जाओ। तब राजा के दूत जाके कहत कि हो तहरा लड़का भइल बड़े, आदेश जानते बाड़ू, अयोध्या के कानून जानते बड़ू, अपना बेटा के द राजा की गोद में पहले जाए। कहत का अरे तनी लाला नवारे दी तू ना, अरे तनी लाला नवारे दी तू ना कि हमरो राजा जी हो खेलई ती, तनी लाला नवा हो दी तू ना कि हमरो राजा जी हो खेलई ती, तनी लाला नवा हो दी तू ना। बाबूजी श्रोता समाज विचार करी कैसन विचार है सम्राट अयोध्यापति नरेश। राजा के दूत कहले कि अपना लड़का के द हमरा महाराज के गोद में खेली, वो औरत कहलस की आए है हमार बेटा ओ निसंतानी के गोद में, ओ निर्वंशी के गोद में ना जाई, हमरा दरवाजा से लौट जा। ऐसे भी नेचुरल बात बा, एको हजार बेटा होके आ जाके हमने सन गरीबो आदमी से केहू कह दे कि अपन लड़कवा एगो दे दो, काहे के इतना लड़का जन्म ले बड़ो मन करी देवे के मन कर की कहतर के मन के लाद में के भोले मार। प्रजा के औरत कहलस कि नहीं हमार लड़का और निसंतानी के गोद में और निर्वंशी के गोद में ना जाए। राजा के ही बतिया के चिंता भइल कि आज ले हम अपना अयोध्या के शहर सब लोग के अपन संतान समझनी, लेकिन प्रजा के औरत हमरा के निसंतानी कह देल। उहे राजा की चिंता भइल, ये बात के तुलसी बाबा लिखनी हो। एक बारे अरे भूपति मन माही कि भयउ गलानी मोरे सुतनाही। राजा के चिंता भइल कि आज संतान रही ए प्रजा के औरत हमरा के निसंतानी ना कहले रहे। फिर बतिया के बाबा लिखले बन कि गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला आचरण लागी करी विनय विशाला। राजा दशरथ जी के हाँ ए बाबू संतान खातिर लोग हंस दिहल, उहे सम्राट अयोध्यापति नरेश गेले अपना गुरु महाराज के हाँ
इस संसार में एक और बात देखो तपेश्वर भाई, इस संसार में जितना देखो तर सब गुरु के महिमा है। राम के अवतार कहे भाई साधु के सेवा करे खातिर, देखो है साधु कितना दमगर होला। भैया हाँ गुरु की हाँ आ जाके कह तारे वशिष्ठ जी से, अरे गुरु हो गोसैया रौरो, अरे परतानी पैया रौआ जान दे बानी। बाबा रौआ तो जानते बा, ई कोनो नया बात नहीं कि हमरे ले नहीं खे। अरे गुरु हो गोसैया रौरो, अरे परतानी पैया रौआ जान दे बानी। कि रघुकुल के ई है बा कहानी, रौआ जानते बानी। अध्यापति नरेश आ तारा आंख सासू राजा, इतना भारी तारा क्वेश्चन ई दर्द हो गई है। बहुत तरह की बाबा का कही ए घरवा में बारी हमारा, तीन तीन गोरानी रउआ जानते बानी। बाबा ई कौरत की चलावे हमरा तीन गो रानी बाड़ी, आ तबो अयोध्या के लोग। अरे लोगबा कहेला नी संतानी रउआ जानते बानी, लोगबा कहेला नी संतानी रउआ जानते बानी। अतने ना गुरुदेव हे स्वामी जी, अतने ना बाबा बेटा भी न सुना राजधानी रउआ जानते बानी। बेटा भी न सुना राजधानी बाबा जानते बानी महाराजी। इतना बात जब गुरु वशिष्ठ जी सुन कहनी कि राजा इतना अधीर मत होख, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायउ। तुलसी बाबा ये बात के लिखा था तपेश्वर भाई कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायउ, आ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायउ। वशिष्ठ जी कहले कि राजन हमरा बात पर तू विचार करो, विचार करो कि धारहुं धीरे होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भय। हे राजा तू सबुर करो, धीरज धरो। एक बेटा खातिर हुआ तर हमरा दरबार में, एक लड़का खातिर सम्राटों के इतना अशुभ हो तर। एक दिन समय आई कि तारा चार गो पुत्र हुई, चार चार गो। राजा के बड़ी बड़ी प्रसन्नता आई कि एगो बेटा खातिर हमने रोआ था, एगो बेटा खातिर लोग नी संतानी कहता, हमार स्वामी जी हमार गुरु महाराज कहता नी चार बेटा हुई। कहले कि महाराज ये करू पाई का बा, कहले कि उपाय बा, एकरा खाती तो एक काम करो, अयोध्या में जाके पुत्रवेष्टित जग कराबो, आ जग जब संपन्न होई तब तारा एगो प्रसाद मिली हम बताए। कह तारे का तारा जा जाके करो जग एगो भाई, राजा जाके करो जग एगो।
महाराज दशरथ एक खाती पुत्र वेशी जग कराब आ जग जब होई तो हम बताओ तनी का होई। ते बात के तुलसी बाबा लिखले बने गुरु वशिष्ठ श्रृंगेरी से ही बुलावा अशुभ काम शुभ यज्ञ करावा। तब भक्ति सहित मुनि भक्ति सहित मुनि आहुत दीन है अप्रगटे अग्नि चरु करली है। जब जग में बसा भाई हवन भइल तो हवन कुंड से अग्नि देता हब लेके प्रगट भइनी। हब वही के कहल जाला जाने में चावल रहेला दूध रहेला चीनी ना रहेला वही में चीनी डाल देव तो तस्मई हो जाई खीर हो जाई वही में किशमिश काजू डाल देव तो तस्मई हो जाई करी का मीठा डाल देव तो रसिया हो जाई। अब ये अग्नि देवता हब लेके प्रगट भइनी आ वे हबी गुरुपति जी कनिक राजन ए प्रसाद के ले जा ए खीर के ले जा तीनों रानी के जथा जोग बना के पवा दी हो गुरु के कृपा हुई तारा चार गो बेटा हो। राजा लेके चलता प्रसाद के आ तीनों रानी से कहो तरे का कि अब जनी मनवा में कौशल्या सुमित्रा के कही चौहान भाई तन ध्यान दियो बड़ भाई हो थोड़ा ध्यान दो रामचरित मानस का हो मानव रूपी सरोवर हो इमे स्नान कैला से इस सारा शरीर के पाप गंदगी सब धोआ जाए। अब जाने मना मामे अरे कर तू फिकीर खीरा खाना कुशेला कली के महाराज सही कहता नहीं इके दिया लो कल के आए हाय हाय जारे पगली ई महाराज अयोध्या पति नरेश के वचन सुनत ई अपन गुरु महाराज वशिष्ठ जी दे लेवानी। अब जानी मानावा में अरे कर तू फिकीर खीरा खाना महारानी खीर खा प्रसाद खा गुरु महाराज के हो गुरु के कृपा बिना दुनिया में कुछ ना होला देखो गुरु के कृपा भइल बा प्रसाद अपन स्वामी जी दे लेवानी। अब जानी मानावा में तू फिकीरा खीरा खाला रंग महारानी अरे खुली जाई तो कदीर खीरा खाला रनिया खुली जाई तो कदीर खीरा खाल खाल कुशल्या के प्रसाद के दिहल गई तीनों रानी और प्रसाद के पौली हो बाबू हो देखो है गुरु के कृपा कैसन हो। हाय 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 अब तीनों रानी जब प्रसाद के पौली समय के अनुसार एक महीना बीतल दो महीना बीतल महीना बीते लागल तब बाबू दिन तागल बड़ी सुंदर। हाय 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 पागले नहीं का जानत जब जब ये धरती पर अत्याचार होला तब तब वो ईश्वर के अवतार हो। तब बाबू अरे समय जब आवे लगल नदी तारकेश्वर जी देखा एक सोहर के भाव लागत किया रानी के
अपना अपना शरीर का और तीनों रानी ताकत तारी मन बड़ी खुश बा अगराइल बड़ी ताकत तारी उनका कौर ताकत तारी उनका कौर देहिया उ बड़खा भड़ मानवा एने उने चटक मटक कौर जाए लगा। तब महाराज से तीनों रानी कह तारी की सरकार हमने के बुझा था कि गुरु जी के कृपा हो गई बा आय हाय कि हमार मन कर हो राजा कहने की महारानी का मन करता कैसन तालुक अनुमान बा कहता कि का कही महाराज मानवा तो कुछ ऐसा बुझाता है गुरु के कृपा एकदम साक्षाते हो गई बा कि हमार मन कर हो कि हमार मन करे खाए के खटाई पिया भावे ना मिठाई पिया हो सुन के महाराज अयोध्यापति नरेश राजा दशरथ जी बड़ी प्रसन्न बाने राजा कहले कि रानी बुझा था कि गुरु के कृपा हो गई बाबू अरे समय आवे लागल बाबू नदी कावे लागल चारों भाई राम के जन्म केंगा भइल ई कथा रुआ आगे मिली मानस रूपी सरोवर हो इमे स्नान ई हमने के तबे संक्षेप में कथा कहतनी ऐसे की पूरा मानस करुआ सवाद चीख ली ए गंगा में ए सुरन में स्नान करी मान रूपी शरीर के तारे के बा तो यही में स्नान करे के पड़े तब बाबू रे को सोहर के भाव लागल बा बसा भाई संसार में औरत सबसे उत्तम होले ए दुनिया में सबसे उत्तम औरत होले ऐसे भारत में नारी के प्रधानता दिहल गई बा औरत ना रही तो सृष्टि ना भई रही देखो चाहे हमने के माई होके संसार की यानी कौनो नारी होके एक और एगो नया जन्म हो जाला जब सृष्टि के उदेलित तो तीनों रानी का मन कैसन करता कि घरवा से निकले के समय आवे लागल करीब आवे लागल एक मास दो मास तीन मास पांच मास यानी नौवा मास बीतल तो देखा बाबू नया जन्म औरत के किंग हो जाला कि घर में से निकले राजा जी माई के
प्रेम के कौन बेटा दे दिया लवड़ देखो है माइक चेला हमार दिल पर गिरी बैठल बा। अरे मानव सरोवर है बाबू, डुबकी लगाओ सभे लगाई बसा भाई आबो दिन वह बैठल बा साइड में तस्लीम बाबू स्नान करो हरि के चरण से प्रेम करो गुरु के कृपा से देखो है राम चारों भाई के अवतार होके जाती है। ये बात के फिर तुलसी बाबा लिखत रहे कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता अशुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि चैत के महीना रहे राम चारों भाई के अवतार होके जाता लोग कहला जन्म भइल जन्म भइल अवतारो भइल प्रकट भइनी। अब वहां के अपार कृपा बा हमनी मूर्ख आदमी का जानतनी के हरि के कैसे आगमन नौमी तिथि मधुमास पुनीता अशुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस देखो राम के चैत के महीना में 12 बजे दिन में कृष्ण भगवान के 12 बजे रात में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 12 बजे दिन में का ईश्वर के कृपा बा बताओ ना टाइम कितना फिक्स बा। मध्य दिवस अति शीतन घामा न जाड़े बा आ न गर्मी बा। आय हाय हाय का कृपा बा प्रभु के मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विसरा। रामचार भाई के जब अयोध्या में अवतार भइल तपेश्वर भैया आय हाय 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 अयोध्या में हरिया जब बाजल अब राजा के खुशी के ठिकान बा। बस आ भाई सोचो जेकरा एगो बेटा ना रहे ओकरा चार गो बेटा भइल कतना खुशी भइल होई। अब हो चौथापन में तीन पौन बीत गल चौथापन जब आ गई आ तब बुढ़ारी में थारी बाज जेकरा बेटा ने के ओकरा से पूछे ने बेटा के मरम कैसन होला हैं लो जेकरा संतान नहीं खे
ओकरा मान ला कि प्रभु के कृपा भइल, गुरु महाराज के कृपा भइल, आ छत पर सुतल बा जाके के कह दे भाई ए पाणी जी अरुआ बेटा भइल बड़े, इतना ना खुशी होई, इतना ना खुशी कि छत के नीचे गिर जाए तब उनका चोट ना लागे। बेटा कैसन खुशी हो तब बाबू रे ता राजा के भवन भया चार गो ललनवा बड़ा निक लाग। रामचर भाई के अयोध्या में अवतार भइल, सारा लोग द्वार पर पहुंचल बा, भाट पवरिया नचनिया बा, जेकरा जेंगा भाव बा वही अपना भाव में आके महाराज के दरबार में जी जो है बा तो है नाचते। अरे हमार बाबू कैसे खुशी के ठिकान रहे, बुढ़ारी में थारी बाज गई बो बरे ना रही तो कही आग रही है, एगो बेटा का तिराजा रो तरह चार गो बेटा भी तो अब कही आग रही है। आए हाय 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 देखो तब तक ले राजा कितना ना खुशी भइल कि राजा दौड़ल अपना से गई ले धगरिन की हा आ जाके देखी सम्राट अयोध्या पति नरेश कितना बेटा के आनंद आई रहे कि महाराज स्वयं के आ गई ले धगरिन के दरवाजा पर कहले कि धगरिन 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 आय बा तो धगरिनिया जाना तेर के राजा के यहाँ बेटा के होनिहारी रलो हमरा बुझा था कि उहे काम भई महाराज कन की धगरी धगरी हमरा किया चल बेटा भइल बाड़े कहते हाय 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 दिन भर में 32 बेर गईनी अरे वे बेबोलावला गईनी लेकिन आज जाए का जौना पर रानी लो चढ़ के आई लो डोली ले आए हाय हाय कहत ये धगरी निया हम अकेले आदि राजा अरे रानी वाली डोलिया अरे तबे जाई ए राजा रौ रो भावना। राजा कहले करे दगरी जौन मांगू तर तारा मुह मांगा मिली चल हमरा किया एगो बेटा का ती तरसना रला चार गो बेटा भइल कहले बाप रे बाप राजा के दुआर पर बुझा ता के मिला लागल बाबूजा रे हाय 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 कहले ई में बचिया गाओ तारी शंका कि हमार बबुआ अरे हमार बबुआ भइल जस चान खेल बहरी जो यही में कुछ लोग सोहर गावेला बुढ़िया गावली से तारकेश्वर जी गाव तारी से सुन गाव तारी सन कि हम तो से पूछी ले को रनिया
समाज के सब भाई बहन माता बहन बेटी इहे कोइसन गीत बा जाने के खरवास दुमास मलमास पितर पाच पूछौ एकरा लगन आवेला साल भर होला एकर कोनो लगन नइखे रोज लगने बा खाली गुरु के कृपा चाहिए बरता में कोई नीए कादसी तो वादसी के और माता बहन बेटी रुवा सबसे निवेदन बा हिंदू समाज में एगो पर्व होला जाना के एकादशी पर्व कह जाला एकादशी पर्व अरे विश्वास करके हमारे विश्वास करी एकादशी पर्व एकासी बार जे कर लेला उ जन कह दीतन हो जाए लेकिन कब जहिया जहिया भूखल रहे के परी ओ दिन झूठ ना निकली विश्वास करी हमारा बात पर एकादशी पर्व एकासी बार आप कर देंगे जो अपने मुंह से निकालेंगे अवश्य उसको होना बरता में कोई नीए कादसी तो वादसी के पारन तो वादसी के पारन ये ललन ए ललन बिहार के लोग खाते हम कह ए ललन जुग जुगे बढ़ो ये मोहलिया हो के सोह रहे जन्म भैलबा श्रोता समाज को भूल चुक भैलो के कृपया क्षमा करब अब चौहान भाई से देखी जन्म के बाद आगे का लीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम करतानी धन्यवाद सबको के नमस्कार।